यार देखो, एक मार्केट है, एक चेन है यूएस में चल रही है, एक कैश का फ्लो है, आपने इसमें अपनी जगह बनानी है। तो मतलब कि अब प्राइवेट लेबल हो रहा है, नई नई कंपनीज आ रही हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, इसमें आपने अपनी जगह बनानी है। आपने मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका एक सोल्यूशन लेके आना है, फिर आपने उस सोल्यूशन से चेक इन पैसे कमाने हैं, आपने उस सोल्यूशन से, आपने कहते हैं कि कैश फ्लो अपना बढ़ाना है। सेम आप जिस नाम में से मेरे ख्याल से कोई शार्क टैंक देखता होगा, ये बहुत बड़ा शो है। वैसे तो ये यूएसए का शो है, लेकिन ये इंडिया में भी आता है शार्क टैंक के नाम से ना। सो जिस तरह पाकिस्तान में आता है आइडिया करोड़ों का, क्या कहते हैं ये शो। इन शोज में बेसिकली क्या होता है, लोग ना अपने आइडियाज़ एक मुख्तलिफ आइडियाज़ डेवलप करते हैं, उन आइडियाज़ को पिच करते हैं, उनके जरिए इन्वेस्टमेंट अगर ठीक करती हैं। लेकिन ये भी तो फिर एक पैसे कमाने का एक तरीका है। चलें अब ना हम अपने असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग एक क्या फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का जो आगाज है ना, वो एसईओ से होता है। एसईओ डिफाइन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आगाज आप कह लें कि इंटरनेट का आगाज तो आई थिंक काफी पहले हो गया हुआ था, और कह लें कि वेबसाइट्स बनने भी लगी थी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपकी वेबसाइट एक जब आप एक सर्च करते हैं तो कितने रैंक पे होती है। मैं ना एक सेकंड आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। जो डिजिटल मार्केटिंग का आगाज है वो एसईओ से हुआ था, ये गालबन 2001-2 की बात है। सेकंड, अच्छा तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे माउस टाइप करता हूँ, भी मेरे जहन में एग्जाम्पल भी यही आ रही है। सॉरी, अच्छा तो यहाँ ने माउस टाइप किया, यहाँ पे लिंक्स आना शुरू हो गए हैं। पहला हमें कंप्यूटर होब का लिंक आया, दूसरा हमें विकिपीडिया का लिंक आया। अच्छा, अब माउस एक कीवर्ड है और ये सारी वेबसाइट जो है ना, ये इस कीवर्ड पे रैंक्ड है। ठीक है, सो ये द कंप्यूटर होब वेबसाइट रैंक है, विकिपीडिया रैंक हुई है, नीचे माई शॉप डॉट पी के, सी जोन है, अमेजोन है रैंक हुई जाए इस कीवर्ड के ऊपर, मेरी लोकेशन के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक। लॉजिटेक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये भी इसमें रैंक हुआ हुआ इस कीवर्ड के अंदर। तो ये जो रैंकिंग का जो सिस्टम है ना, ये एसईओ कहलाता है। एसईओ डिफाइंस की यार आपने एक माउस है, उसका माउस जो एक लफ्ज है MOUSE, उसका इस्तेमाल आपने अपनी वेबसाइट के पेज में ऐसे किया हो कि जब गूगल आप का सर्च करे ना, अब कोई बंदा गूगल पे सर्च करे, गूगल पे कर ले, बिंग पे, ब्रिंग पे कर ले, या जो बिंग उसके अलावा और भी काफी सर्च इंजन है उन पे कर ले, तो जिस पे सर्च इंजन के ऊपर सर्च करे ना, तो वो सर्च इंजन समझे कि इस सर्च का बेहतरीन जवाब हमारी वेबसाइट ही है। तो वो होता है आपका जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिर आगे क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। आप फर्ज कर लें अमेजोन हम ओपन कर लेते हैं, या नीचे ही अमेजोन का लिंक आया था, ये आ गया। अच्छा, मैंने अमेजोन ओपन कर लिया। सो अमेजोन के ऊपर यहाँ से कंप्यूटर माइस टाइप हुआ हुआ है। अब अमेजोन ना ये जो ये कीवर्ड है, कह रहा है कि यार ये जो ये पहली प्रोडक्ट है ना, ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर, ये जो ये वाली, ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ट बैठती है ये वाली प्रोडक्ट। इसके बाद फिर इसकी बारी आती है, फिर इसकी बारी आती है। जो ये ऊपर वाली दो प्रोडक्ट्स है ना, ये इसकी डेफिनेशन पे बेस्ट नहीं बैठती, ये ना इस पोजीशन पे पैसे देके आई हुई है। पैसे देके आने से मेरा मुराद है, ये देखें, अगर आप यहाँ पे इसको जूम करें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि यार ये एड्स चले हुए हैं, किसी ने पैसे दे के कहा यार मेरे से $100-200 ले ले अमेजोन, और एक दिन के लिए मेरी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर रैंक कर दे। सो ये एक टोटल अलग चीज है। सो दिस इज लाइक एसईओ। ये मैंने आपको भी एसईओ का मतलब समझाया कि एसईओ कैसे वर्क करता है। सो एसईओ ही फिर इन फ्यूचर जाके कंटेंट राइटिंग की बुनियाद बनी। अब कंटेंट राइटिंग के तरफ थोड़े चले जाते हैं, ये मैं आपको ना अभी एक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी वास्ट फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ अमेजोन या वॉलमार्ट के ऊपर महदूद नहीं रहती, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ आ जाता है यार। तो अब ये वेबसाइट्स हैं, ये हमारे पास आई थी तो व्हाट इज अ कंप्यूटर माउस, ये कंप्यूटर होब के अंदर, और ये की है विकिपीडिया की वेबसाइट। अच्छा, सो ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इतना ज्यादा इसने कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट है।
इस कंटेंट के अंदर एसईओ के लिए अल्फाज का चुनाव इस तरीके से किया जाता है कि ये कंटेंट सर्च इंजन को सबसे बेस्ट लगे, ठीक है। अब ये इसको सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि वो ये सर्च इंजन समझता है कि यार माउस लव्स का इस्तेमाल इस कंटेंट में ऐसे किया गया है कि इसकी पूरी डेफिनेशन जो है ना वो वाजिया कर देगा, जो माउस जो कीवर्ड है उसकी पूरी डेफिनेशन ये जो कंटेंट है ये वाजिया कर देगा, इस वजह से इसने इसको सबसे टॉप रैंकिंग दी है, ठीक है। सो आप ये देख भी सकते हैं, अब ये सर्च इंजन इतना फास्ट है कि मैंने वर्ड एंटर किया 0.67 सेकंड्स के अंदर इसने अपने तमाम दुनिया की वेबसाइट्स के अंदर से मुझे सर्च करके भी दे दिया। मतलब कि इस सर्च इंजन की इंडेक्सिंग पावर इतनी एडवांस है। इंडेक्सिंग पावर क्या मतलब, यार देखो मैं अभी यहाँ पे विंडोज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, फर्श कर लें, इधर भी मैं माउस ही लिख देता हूँ। अब इससे मुझे ये ना इसने मुख्तलिफ चीज़ों को इंडेक्स किया हुआ है, मतलब कि माउस लव्स का इस्तेमाल सेटिंग में भी आता है, कंट्रोल पैनल में भी आता है, सेटिंग के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस है, नीचे वेब सर्च भी है, तो इसने ना एक लफ्ज को इंडेक्स किया हुआ है। या फिर मैं अगर यहाँ पे डिस्क लिख देता हूँ, एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो ये एक ऐप भी है यहाँ पे देखें। इसके अलावा इसको ये बेस्ट मैच लगा, इसने ना इस कीवर्ड को इंडेक्स किया हुआ है, इसने पहले ही लिखा हुआ है कि यार ये कीवर्ड इन जगहों पर वाकया है, इसको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है इस कीवर्ड को सर्च करने के लिए। तो इसी तरह इस वेबसाइट के पास भी एक एक्सेल शीट कह लें आप, एक्सेल शीट का आप में से आइडिया है कि एक्सेल शीट क्या होती है, मैं समझा देता हूँ। अच्छा तो ये एक्सेल शीट होती है, मैं आपको एक एक्सेल शीट भी वहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। बस ओपन हो रही है, समय मुझे पता नहीं लगा था, मैंने अपनी विंडो अपडेट पे लगा दी, तो उसी वजह से थोड़ा इंटरनेट मेरा लैपटॉप स्लो हो गया। अच्छा तो ये एक्सेल शीट है यार, ये इसमें यहाँ पे ऊपर ए से नंबर दी जाती है, ए से ये फिर एक जेड के बाद फिर ए ए ए बी ए सी, इसके साथ फिर ये एंड तक चलता रहता है, सो ऑन इन्फिनिटी तक ये एक्सेल शीट चलेगी, तब तक ये एक्सेल शीट चलेगी जब तक मेरे लैपटॉप की जो मेमोरी है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। और ये नीचे भी ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, वन से शुरू होता है, नीचे 100, 200, 1000, 5000 लाख नीचे एंड तक जाता है, जहाँ तक आप इसको इस शीट को रखना चाहें। तो इसी तरह सेम गूगल ने भी एक इंडेक्स शीट क्रिएट की हुई है जिसके ऊपर से वो सर्च करता है, वो दोबारा से वेबसाइट नहीं खंगालता। तो ये क्या कहते हैं कॉन्टेंट राइटिंग थी। अब अच्छा कॉन्टेंट राइटिंग के आगे फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसे एक्सपैंड की, कॉन्टेंट राइटिंग के बाद फिर ब्लॉगिंग आई, ब्लॉगिंग। तो अब ये ना एक ब्लॉग है, ठीक है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट वो होती है जिसमें आप थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहे हो, ये एक ब्लॉग पोस्ट है। ये सबसे बड़ी ब्लॉगिंग वेबसाइट है विकिपीडिया, आप सबको पता है, इसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये उसकी हिस्ट्री है, एटिमोलॉजी दे दी है उसने, आगे उसने आगे बता दिया कि पहला लफ्ज माउस किसने इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो मैंने आपको बता दिया जी ब्लॉग पोस्ट है, तो हम आ जाते हैं किसी प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं। अब ये Amazon के ऊपर माउस आ गया जी। अच्छा अब मैं एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये आ गया जी, प्रोडक्ट ओपन हो गई। तो वो मैंने आपको बताया था वो ब्लॉग से, तो ब्लॉग से ब्लॉग पोस्ट थी, तो ये ना एक बार ये फिर आके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब कंटेंट राइटिंग के मुख्तलिफ यूजेस हमें पता लगते जा रहे हैं, हमें पता लगा यार ये तो एक पहले हमने मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा दिया है, अब ये है प्रोडक्ट की कह लें कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद फिर नीचे आ जाती है प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इसकी इमेजेस हैं, इसकी मुख्तलिफ कंपैरिजंस हैं, इसके अलावा उसका मुकम्मल एनालिसिस है, ठीक है। तो अब इसी तरह काफ़ी वेबसाइट्स हैं, सबसे बड़ी एक मिनी ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको पता है ट्विटर आप लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी क्या कहते हैं मार्केटिंग वगैरह होती है। तो अच्छा अब इसके बाद फिर जब इंटरनेट फिर मजीद इवॉल्व कर रही है, अब मैंने आपको ये दो चीजें दिखा दी, अब इसके बाद मजीद इवॉल्व क्या किया जी, इसके बाद इंटरनेट ने मजीद इवॉल्व क्या किया जी, मुख्तलिफ मजीद चीजें, अब जिसे आपको पता है क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स लाइक एक कंप्यूटर होता है, जिसका भी मैंने यहाँ पे एक मशीन लैपटॉप मैंने पकड़ा हुआ है, ये भी एक कंप्यूटर है, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, i5 लगा गालबन, ये भी एक कंप्यूटर है। अब इस तरह एक कंप्यूटर है उसमें कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है 0101 01, अगर आप में से कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको आइडिया हो जाएगा 0101 01 का क्या मतलब होता है, एक बाइनरी कोड है। तो अब ये कंप्यूटर अब इस तरह वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर
का एक जो डिजिट है ना, इसका एक डिजिट एक वक्त में या जीरो या वन को कैलकुलेट करता है और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। वो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो लाइक कैलकुलेशन करता है एक वक्त में 3 जीरोस और एक वक्त में 3 वन को वह हैंडल कर लेता है। समझ रहे हैं उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। इसको कहते हैं क्यूबिट प्रोसेसिंग, क्यूब मतलब कि 3-साइडेड। तो अब वो एक क्वांटम कंप्यूटर है वो यूज होता है। अब क्वांटम कंप्यूटर बना तो अब इससे इंस्टेंट मजीद तेज होगी। मजीद तेज कैसे? यार देखें, ये मैंने एक एक्सेल शीट आपको ओपन किया, ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक्सेल शीट है, ठीक है, ये इंटरनेट के ऊपर नहीं है। मजीद इवॉल्व ये किया जी, ये आ गई है गूगल की स्प्रेडशीट। अब ये ऑनलाइन है, ये एक ब्राउजर के ऊपर ओपन है। यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ दुनिया की जिस मर्जी कोने में मैं चला जाऊँ। पूरी दुनिया में ऑप्टिक केबल का जाल बिछा हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक हर जगह इंटरनेट मौजूद है। मैं कहीं से भी अपना अकाउंट लॉग इन करता हूँ, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ शीट के ऊपर। मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मेरे मोबाइल पे कोड ओटीपी आ जाएगा, मुझे वो चाहिए, या मुझे थोड़ी बहुत दूसरी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, पासवर्ड, मेरी ईमेल रिक्वायर्ड होगी, मैं इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ये शीट कभी भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो अब सेम यही फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये जो ये आपके सामने है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ये मतलब कि मैं इसके लिए ईयरली पे करता हूँ, ये पेड वर्जन है एक्सेल का। ये है कि यार मैंने बेशक अपने लैपटॉप पे सेव करके रखी है ना, ये यहाँ से मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है, तो ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाऊँ, मैं अपने लैपटॉप वाली ईमेल लॉग इन करूंगा तो ये मेरी शीट वहां पे भी शो होने लग जाएगी। ये मतलब कि ऑनलाइन भी एक कॉपी सेव कर लेता है मेरे नाम से मेरी शीट की। तो ये इंटरनेट ने इवॉल्व किया जी। अब इसके बाद मजीद जारी बात है कि अब ये तो वो एस्पेक्ट है ना कि आप एक ऑडियंस को मतलब कि कह लो कि अपनी तरफ रागिब करते हैं ऑडियंस को। तो अब मजीद पैसों के हवाले से यहाँ जो फाइनेंशियली क्या इवॉल्व किया जी, आपको पता है ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी ईजाद भी क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से मुमकिन पाई थी, ब्लॉकचेन नेटवर्क, क्योंकि ब्लॉकचेन में आपको नेटवर्किंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, तो क्वांटम कंप्यूटर के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सो इसी तरह फिर आगे मजीद भी क्या कहते हैं, बड़े से बड़ी कंपनीज आई हैं। अब IBM है, उसके पास दुनिया का सबसे फास्ट क्वांटम कंप्यूटर है। उसके बाद फिर गूगल है, गूगल के पास बहुत प्रोसेसिंग पावर है। अब यार ये सारी होगी प्रोसेसिंग पावर। अब हमारा जो मेन मकसद है ना आज की इस मीटिंग का, वो ये है कि यार इन्होंने तो बना दी, ये स्टीव जॉब्स ने आईफोन बना दिया, इस बंदे ने, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बना दी, इन लोगों ने बना दी, हमने इससे पैसे कैसे वो कमाने हैं, फायदा कैसे उठाना है इन चीजों से, हमारा मेन मकसद ये है आज का। ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, अभी मैं आपको मजीद यही बताऊंगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे इनके अर्निंग एस्पेक्ट्स की तरफ कि यार हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अभी तक हमने कई चीजें देखी हैं, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा गया कंटेंट क्रिएशन के जरिए या SEO के जरिए, दो तरीके आपको पता लगे हैं यार, एक SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले, और दूसरा कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों के जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर कॉन्टेंट लिखना है आपने तो एक SEO वाला कॉन्टेंट लिखना बेहतरी है आपके लिए, आपके लिए वो जो कीवर्ड्स का ऐसा चुनाव करना वो ज्यादा बेहतरी है, आपका कंटेंट भी सही है। कंटेंट राइटर अगर आप नहीं है तो आपसे टेंस की गलती हो जाएगी, तो लाइक फिर वो भी एक SEO के खिलाफ चीज है। SEO मतलब कि गूगल देखते ना यार, इस मतलब कि गूगल को आपकी बात समझ नहीं आ रही है तो वो आपकी बात अपने कस्टमर को क्यों दिखाएगा यार। SEO का फायदा, SEO की मैं आगे मजीद आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी सेलिंग जो होती है ना, 3PL या जो शॉपिफाई स्टोर्स वगैरह होते हैं, आप में से काफी लोगों ने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, तो उसके पर बड़ी इसकी अहमियत होती है SEO की, या इन चीजों की, इन चीजों की अमेजोन या वॉलमार्ट में इतनी अहमियत नहीं है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आगे चलते हैं मजीद। अच्छा, अभी तक हम थे स्प्रेडशीट वगैरह के ऊपर, यार इसके बाद फिर मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि ये भी फिर इवॉल्व कर गई। तो इसके बाद देखो, अभी काफी अरसे तक ना दुनिया में सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस थी, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस अभी भी है अमेजोन। लेकिन आज से 1 साल पहले एक नई मार्केट प्लेस दुनिया में आई, उसका नाम अमेजोन, मैं आपको बता देता हूँ। अमेजोन एक वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं ऑनलाइन। ये वेबसाइट जो है वो बेसिकली US मार्केट को टारगेट करती है। US मार्केट के बाद ये वेबसाइट जो सबसे ज्यादा टारगेट करती है वो UK को करती है। UK के बाद फिर इसकी जो मेन डोमेन है कनाडा एंड मैक्सिको, कनाडा एंड मैक्सिको के बाद फिर यूरोप, इसकी सबसे बड़ी डोमेन है। यूरोप के बाद फिर ये जो अमेजोन है ये इंडिया में भी है, ये KSA में भी है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये UAE में भी है, ये जापान में भी है, गालबन फिलिपाइंस में भी होगा। तो ये इस तरह फिर ये क्या कहते हैं बहुत एक एक्सपेंड कर चुका है। अब इसके अलावा जो इसका जो कंपेटिटर है वो वॉलमार्ट है।
वॉलमार्ट का जो यूएस की सेल्स है ना, वो अमेजोन की यूएस की सेल्स से ज्यादा है, क्रॉस कर चुकी हुई है। वॉलमार्ट के पास ऑर्डर्स और कस्टमर अमेजोन से ज्यादा है अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बाहर नहीं, अमेरिका के अंदर, ठीक है। और उसका एक दूसरी इशू ये भी है कि वॉलमार्ट के ऊपर अकाउंट साइन इन करने के लिए ना आपको यूएसए में, अमेरिका में एक कंपनी चाहिए होती है। आप पाकिस्तान में अपने आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड के ऊपर, या अपने क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर, या फिर अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप उनका अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको उसके लिए कंपनी रखनी पड़ेगी। सो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, मतलब कि साथ साथ फिर अब कंपेटिटर्स आए। अब इसके अलावा अमेजोन के कुछ माइक्रो कंपेटिटर्स हैं, माइक्रो कंपेटिटर लाइक टारगेट, आप लोगों ने टारगेट का नाम सुना होगा। टारगेट एक रिटेलर है और उसके स्टोर्स भी हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हाइपर मॉल है मेरे ख्याल से, जिस तरह पाकिस्तान में केयर फॉर यू है मेरे ख्याल से, या जो इम्पोरियम वगैरह में केयर फॉर यू के स्टोर्स हैं, तो इस तरह टारगेट एक स्टोर भी है। उसके अलावा टारगेट एक ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट भी है जिसके ऊपर लोग खरीदते हैं। उसके अलावा सैम्स क्लब एक वेबसाइट है जो लोगों को होलसेल रेट के ऊपर चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सैम्स क्लब का एक ड्रॉबैक है, सैम्स क्लब की ईयरली मेंबरशिप होती है $100 की, ठीक है। वो जो मेंबरशिप, जिसके पास वो मेंबरशिप होगी वही क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को मंगवा सकेगा सस्ती प्राइस के अंदर। अब सैम्स क्लब के अलावा wish.com है, wish.com एक बहुत बड़ी स्कैमिंग वेबसाइट है, लेकिन उसके ऊपर अच्छी चीजें भी मिलती हैं। wish.com के बाद ईबे है, ईबे भी एक अमेजोन का अच्छा खासा बड़ा कंपेटिटर है। फिर उसके अलावा जो दूसरे छोटे मोटे कंपेटिटर्स आ गए हैं, वो आ गए शॉपिफाई स्टोर्स, मतलब कि लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, अपने स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, अपने मर्चेंडाइजिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके ऊपर सेल करते हैं। मर्चेंडाइजिंग लाइक बेचना कुछ चीज को, किसी चीज को सेल आउट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मर्चेंडाइज से ये मुराद होती है। ये बेसिक था अमेजोन के ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स कह लें या फिर इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि इंटरनेट के अंदर कह लें कि एक नेटवर्क का जाल, ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछा हुआ जो बड़े 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 आजमों को आपस में जोड़ता है। एक केबल गई हुई है पाकिस्तान से सीधा फ्रांस तक, बीच में वो केबल इंडिया को भी पाकिस्तान से जोड़ती है, वो केबल भी सऊदी अरब से गुजरती है, वो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान से और फ्रांस से जोड़ती है, फिर बीच में वो केबल गुजरती है यूरोप के मेडिटेरेनियन सी के अंदर से, स्विस कनाल से भी गालबन वो क्रॉस करती है, वो केबल फिर जाके लगती है फ्रांस के एक साहली इलाके को, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान भी इंटरनेट से उस केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। वो एक केबल है, अगर उस केबल को कुछ हो जाए तो पाकिस्तान में कोई वायर्ड इंटरनेट नहीं होगा, सिर्फ सैटेलाइट कनेक्शन होगा। सैटेलाइट सिम मेरे ख्याल से नहीं किसी के पास होगी पाकिस्तान के अंदर, बहुत बहुत रेयर है ये, सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स या जो बड़े ओहदेदार हैं ना वो यूज करते हैं सैटेलाइट मोबाइल्स वगैरह ना। अच्छा, सो ये मैंने यार आप लोगों को बेसिक बता दिया कि ये चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं। अब दूसरी चीजों पर आते हैं यार, इन चीजों से हमने पैसे कैसे बनाने। पैसे बनाने की बात यार, मैंने जो एक बेसिक चीज बताई थी आपको, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO सिर्फ यहाँ तक कि मैं दूर नहीं रहता, SEO की दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। दिस इज गूगल एडसेंस। अच्छा, गूगल एडसेंस यार एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ना आप एड्स रन कर आप अपनी अपनी चीजों के ऊपर एड्स लगवाते हैं। लाइक देखो हमारे साथ हैं, अच्छा हमारे साथ देख लो यार, ये फर्स्ट कर लो साकिब भाई हैं, CS कर रहे हैं, ये बड़े होकर ऐप डेवलप करेंगे। तो यार ये गेम डेवलप करते हैं और कहती हैं यार ये देखो मेरे पास गेम है, तो आप इस गेम से पैसे कैसे कमाए जाए। सिंपल है, एडसेंस पे जाओ, गेम प्लेटफॉर्म को साथ में लिंक करो, कुछ कोडिंग है वो करो, वो कोडिंग अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं, आपने कॉपी पेस्ट करना होता है बस। तो आपकी ऐप जितने बजे डाउनलोड करेंगे ना, वो आपने देखा होगा यार कि कुछ ऐप्स के बीच में एड्स चलते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर गूगल एडसेंस पे जितने आपके व्यूज होंगे, उसके आपके क्लिक्स होंगे, उनके ऊपर आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। पैसे कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत 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 लोग पैसे निकालते हैं इनके अंदर से, खासतौर पर ये जो बच्चों की गेम्स होती हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। यूट्यूब चैनल, ये जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है ना, बेसिकली यही मोनेटाइजेशन कहलाती है, यही यूट्यूब चैनल मोनेटाइज लोग करवाते हैं, तो वो यही यही चीज़ होती है एडसेंस अकाउंट। सो इसके जरिए आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। अब ये ही सिंपल चीज़ नहीं है। अब अगला मेरा टॉपिक है कॉन्टेंट क्रिएशन। अब ये भी फिलहाल ये जो SEO वगैरह था, ये सारा कंटेंट क्रिएशन ही था, एक कंटेंट ही बनाना है। अब कंटेंट के बेसिक टाइप्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो रिटन काइंड ऑफ कंटेंट था। तो अब इसके बाद फिर या देखो वीडियो कंटेंट आ जाता है।
वीडियो कंटेंट में क्या सीखना चाहिए, आप वीडियोस बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, वीलॉग्स बनाते हो, अब जैसा पाकिस्तान के अंदर यार काफी ज्यादा क्या कह लो के स्टार्स कह लो कि या काफी काफी ज्यादा इंसान लोग कह लो कि जिन्होंने व्लॉगिंग करके या वीडियोस बनाकर, पहले वो कुछ नहीं थे, कोई दुनिया इन्हें नहीं जानती थी, जैसा हमारे मशहूर डकी भाई कह लें आप, या एक रुमैसा खान है, उसके अलावा पी फोर पकाऊ है, उसके अलावा काफी मतलब के शमी शाहबास है, उसके अलावा ये लोग यार ये लोग पहले नहीं कमाते थे, ये इन लोग यूट्यूब पे आए, इन लोगों ने वीडियोस क्रिएशन की, इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया, जब इनका कंटेंट इनके इनके जो व्यूज है वो 10,000 क्रॉस कर गए, तो उसके बाद गूगल ने इजाजत दी भाई आओ अब अपनी वेबसाइट पे एड लगा सकते हो आप, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाना शुरू की, अपनी वो सॉरी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर एड्स लगाना शुरू किया, फिर इन्होंने पैसे कमाए। यार आज से तकरीबन 5-6 साल पहले ये लोग भी कुछ नहीं थे, ठीक है, 8 से 5-6 साल पहले ताबिश हाशमी देख लें आप, उसका शो आता था टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे आता था, कुछ भी नहीं था यार इससे पहले, तो कुछ भी नहीं था, ये सारा क्या कहते हैं ये यूट्यूब ही की गेम है, आपका फेम कमा सकता है, अब कुछ लोग इस किस्म का फेम कमाते हैं, अब लाइक पाकिस्तान में हमारे एक वो हैं दोस्त हैं जानने वाले हैं जिनके हमारे साथ वर्क प्लेस पे काम करते हैं, मेरे साथ ही होते हैं, तो उनका ये सीन है यार उनकी बहुत अर्निंग है, बहुत उन्हें कमाई, लेकिन उनके पास फेम नहीं है, उनके पास कमाई, उनके पास एक बिजनेस अंपायर है, लेकिन उन्हें लोग दुनिया नहीं जानती, क्यों, क्योंकि उनका ऐसा काम नहीं है ना यार, क्योंकि वो लाइक इंस्टाग्राम पे आकर डेली वीलॉग्स नहीं बनाते, उनका एक अलग कमाने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि आपके आपके पास अगर एक बिजनेस एम्पायर है तो आपके पास फेम होगा, या जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फेम है तो आपके पास एक बिजनेस एम्पायर भी होगा, हाँ अगर आपके पास फेम है तो आप उस फेम को क्रेडिट कैसे करेंगे, ये तरीका आपको आना चाहिए, लाइक अगर आपके पास फेम है तो आप उस फेम के जरिए पैसे कैसे कमाएं। अच्छा तो यार एक यूएस का है क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएटर ना यूट्यूबर, हाँ मिस्टर बीस नाम है उसका। अच्छा सो मिस्टर बीस के पास अर्निंग्स है, कोई शक नहीं है इसमें कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कमाता है, लेकिन देखो उसके पास फेम ज्यादा है, तो अब उसने उसके पास जो नहीं था मतलब कि वो अपने जो रेवेन्यू है या जो अपने पैसे है वो ज्यादा कमाना चाहते, तो मिस्टर बीस ने क्या किया जी चॉकलेट्स लॉन्च कर दी, उनकी उसकी चॉकलेट की इतनी ज्यादा सेल्स है ना यार कि जितनी उसको यूट्यूब पे नहीं कमाई होती ना उतनी उसको उन चॉकलेट्स पे हो जाती है, उसने क्या उसने अपने जो इंटरनेट के ऊपर उसका फेम था ना उसने उसको क्रेडिट किया, इंटरनेट के ऊपर जो आपकी स्किल्स है ना आप यहाँ से जो मेरे से स्किल्स सीख के जाएंगे आपने उसको क्रेडिट करना है। यार हमारी गूगल एडसेंस के ऊपर और यूट्यूब वगैरह के ऊपर बात खत्म हुई थी, अब इसके अलावा भी यार पैसे कमाने के और तरीके हैं, तो वो तरीके क्या हैं यार देखो कंटेंट क्रिएशन के अंदर सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आप वीडियोस क्रिएट करो या कंटेंट लिखो, ट्विटर एक शॉर्ट व्लॉगिंग वेबसाइट है जिस पर लोग अपने जोर मजा के ट्वीट करते हैं, या ट्विटर के जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हो, वैसे क्या है आपने अपनी एक पहचान बनानी है, अगर आप एक फेम हासिल करना चाहते हैं तो एक दफा आप पहचान बनाएंगे आपको खुद ही काम आना शुरू हो जाएगा, लाइक अभी हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर ना सेमिनार हुआ था तो वहाँ पे हमारी टीचर आई थी, तो उनका ये सीन था जी स्टार्टअप के अंदर ना उन्होंने उनकी कई उन्होंने ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया और तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है, सो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर उनको व्यूज आना शुरू हो गए, व्यूज आना शुरू हो गया, आस्ते उनके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उनकी रील्स के ऊपर मेकअप के रिलेटेड वो लगाती थी, तो यार वो पहले कुछ नहीं थी काम को मतलब कि वो कुछ नहीं थी ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन अब उनको खुद उन्होंने ब्रांड ने अप्रोच किया उनको 4-5 महीने बाद कि आए हमारा इवेंट है इस्लामाबाद के अंदर, हमारी इवेंट है इस्लामाबाद के अंदर आए कवरेज दें, मतलब कि यार देखो आपको आपकी जो सलाहियतें हैं उन्हें पहचानने की जरूरत है, आपको ये पहचानने की जरूरत है कि मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, आप जिंदगी में जो नहीं कर सकते ना रहने देना कोशिश करने, लेकिन आप जिंदगी में जो कर सकते हैं ना यार उसको जरूर करें, मैं ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, अब ये ना हो कि यार आप कोई कह लो कि गलत करने लगा हो, ठीक है, सो अब ये कंटेंट क्रिएशन वाला जो मामला था वो पूरा हो गया, इसके बाद हाँ एक सेकेंड कंटेंट क्रिएशन में लास्ट चीज तो रहेगी वो थी वीडियोग्राफी, ये मैंने आपके सामने प्रोडक्ट्स लगाई हैं, ये इसकी फोटोज हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट की फोटो है, ये एक फोटोग्राफर बनाता है, ठीक है, इसको कहते हैं ए प्लस कंटेंट वीडियो का, ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है ये भी एक एसईओ वाला इंसान बनाता है, इन दोनों के पैसे होते हैं, वीडियो और फोटो के तो अच्छे खासे पैसे होते हैं यार, किसी को अगर कैमरा यूज करना आता है उसके पास उसके मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार का आता है वो टर्न टेबल, और उसके अलावा वो जो व्हाइट कलर का जो शीट होती है जो पीछे बचाते हैं,
तो यार आप अच्छी खासी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये तो यूएस की है ना, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करें, काम आपको यार मैं दे दूंगा। फोटोग्राफर हमें पता, हमें फोटोग्राफर को कैसे मिले, मैं यहाँ पे वो एक एक फोटो का कितना कितना चार्ज करते हैं, तो हम भी यार ढूंढने में होते हैं यार, एक बंदा हमें अच्छा मिले जिसकी थोड़ा कम चार्ज करता हो, थोड़ा मतलब के यार आप लोग बनाए, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमारा कंटेंट क्रिएशन वाला टॉपिक मुकम्मल एंड हो गया। अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो ये है मार्केटिंग का, मार्केट का बेसिक, मार्केट प्लेस का टॉपिक है। अच्छा, तो इसमें यार हमारा बेसिक क्या होता है जी, हमने प्रोडक्ट्स सेलेंट परचेज करनी होती है। अच्छा, हम अभी ना बेसिक मार्केट ना यूएस को कंसीडर कर रहे हैं, पाकिस्तान में दराज है, उसके अलावा और भी मोस्टली वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कह लो कि खुद की बनाई हुई जो वेबसाइट है ना वो ज्यादा सस्टेन्ड है। लेकिन यूएस के अंदर अगर आप अमेजोन वगैरह पे बेचें तो वो ज्यादा सस्टेन्ड है। खुद की बनाई वेबसाइट से मेरा मुराद फर्ज कर लें यार वीडियो वाली सरकार, यूट्यूब का एक चैनल है वीडियो वाली सरकार, तो उसने खुद का एक स्टोर बनाया, वो उसके ऊपर मोबाइल सेल करता है, एक्सेसरीज सेल करता है, वो दराज पे वो सेल नहीं करता, क्योंकि उसका टर्नओवर दराज से कंपेरेटिवली मतलब कि अगर उस पे क्या कहते हैं वो 100 डर बेच रहा है ना, दराज 100 डर बेच रहा है, तो उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, 100 डर के बेचे दराज को कम फायदा हो रहा है। पाकिस्तान भी ये हिसाब है। ठीक है, एक सेकंड, मेरे लैपटॉप की लगता है चार्जिंग लो हो गई है, 21%। चले फारिक करें। मैं अच्छा, मैं पाकिस्तान मार्केट आपको समझा रहा था। अच्छा, अब यूएस मार्केट प्लेस की तरफ आ जाते हैं। तो यार यूएस में चीजें बेचने के कई तरीके होते हैं, बेसिकली दो तरीके, तीन तरीके होते हैं, एक तरीका हम उसको तरीका कंसिडर नहीं करते। अच्छा, पहला प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल डिफाइंस किया यार, आप की फैक्ट्री है या आपका खुद का ब्रांड है, वो खुद की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सारी जो प्रिविलेज है ना वो आपके पास है, भाई ये मैंने डिजाइन की है, ये इसकी लीगल राइट्स मेरे पास है, अभी ये मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत बजट चाहिए होता है, तो इसके ऊपर आप एज अ वीए काम कर सकते हैं, मतलब कि जिसके पास पैसे हैं ना। अब मैं इससे पहले लिंक था ई कॉमर्स स्पाई सनी अली एक प्लेटफॉर्म में, तो वहां पर दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक होता है मामू, एक होता है यूनिकॉर्न या घोड़ा। अच्छा, तो मामू टर्म डिफाइंस की यार अमीर इंसान जिसके पास पैसा है, काम करने का वक्त नहीं है, और घोड़ा वो जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन उसको काम करना आता है। इसका मतलब ये कि यार उसको काम करना आता है, उसके पास पैसे हैं, कि अगर इन दोनों का कंबाइन कर लें, अगर हम 70-30 की टर्म्स डिसाइड कर लें, तो ये बंदा यार पैसे कमा सकता है। ठीक है, ये बंदा उसका काम करेगा एज अ वीए विचुअल असिस्टेंट और पैसे कमाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे हमारा जो टॉपिक है, विच इज होलसेल। होलसेल यार जो वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स है ना, लॉजिटेक, इंटेल, डेल, उसके अलावा खाने में हर्षी, उसके अलावा कैडबरी, वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, इनके अच्छी खासी इनकी वो एक मार्केट है। इसके अलावा और कौन सा ब्रांड कोई जहन में आए, हाँ यूनिलीवर, यूनिलीवर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अब पहले से जो वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स है ना, उनके प्रोडक्ट्स को उठाएं, उनकी इजाजत से उनको सेल करें, इट्स होलसेल। इस पे बजट चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है, ये तो मेरे ख्याल से किसी के पास 1 लाख भी है ना तो वो कर सकता है, और 1 लाख के पीछे उसको तकरीबन 30-40 हज़ार बचेगा, इसका प्रॉफिट रेशो ही गया। इसके बाद जो थर्ड चीज आ जाती है, विच इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग लाइक के मैंने मार्केट प्लेस पे गया, भाई मेरे पास नॉन स्टिक सॉस पैन है, डायमीटर लगाया 13 इंचेस डायमीटर का या 13 इंच रेडियस का, तो अगला बंदा आया, यार आपके पास है, कितने का लगाया, मैंने $400 का कह दिया। हालांकि पास नाम मेरे पास वो सॉस पैन पड़ा है, $40 मैंने वैसे ही उसको कह दिया है, या उसके पीछे $40 कहने के पीछे एक तरीका है। अच्छा, तो मुझे एक ऑर्डर आ जाता है, जिसके पास वो सॉस पैन है मैं उसके पास जाता हूँ, उससे $250 का या $100 का या $300 का लेता हूँ, इस बंदे के घर भी जवा देता हूँ, उससे $400 मैं लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ $250, मेरा कितना प्रॉफिट, $150। इसमें थोड़ा वो मार्केट प्लेस भी रख लेगी कमीशन के तौर पे वगैरह वगैरह, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। लाइक हमने इन्वेस्टमेंट का तो यूज किया ही नहीं ना, हमने ड्रॉप शिपिंग में यूज किया क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड एमएक्स का क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह क्रेडिट कार्ड होते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, इसका तो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं इन्वेस्टमेंट का, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। अकॉर्डिंग टू अमेजोन, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन की जो गाइडलाइंस है उनकी खिलाफ वर्जी है। सो जो अकाउंट ड्रॉप शिपिंग करता खोला जाता है उसके ऊपर अमेजोन सी सेक्शन लगाता है, सी सेक्शन अमेजोन का एक लॉ है, अमेजोन का एक टर्म्स है, तो उसके मुताबिक अगला उसका अकाउंट खत्म कर देता है, और उसके जो एसेट्स होते हैं ना, उसके जो पैसे होते हैं वो सीज कर लेते हैं। अब एक मार्केट प्लेस है वॉलमार्ट,
वो अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो ड्रॉप शिपिंग, अपने जो सेलर्स को ना वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, उसको कोई मसला नहीं अगर उसका सेलर ड्रॉप शिपिंग करता है। अच्छा चले, मैं लास्ट टाइम में आपको बता रहा था मेरी बात ड्रॉप शिपिंग की। अच्छा इसके अलावा ना कुछ तरीके आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर ना, दो तरीके होते हैं ये पता है बेचने के, किसी भी चीज को ना मार्केट करने के। ये रिक्वेस्ट है कि यार आप ना माइक्रोफोन उसको म्यूट कर लें। चले ठीक बोल रहे हैं। अच्छा तो कुछ तरीके आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर ना सेल करने के लिए प्रोडक्ट को। तो एक होता है FBA, एक होता है FBM। सो लाइक FBA है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, मतलब कि हमने हमारे हमें ऑर्डर आ गया, हमारी जो इन्वेंट्री थी वो पहले से अमेजोन के पास पड़ी हुई थी। सो प्राइवेट लेबल के अंदर हम ये करते हैं, इन्वेंट्री अमेजोन के पास रखवाते हैं, होलसेल के अंदर हम इन्वेंट्री अमेजोन के पास रखवा भी सकते हैं और खुद भी हैंडल कर सकते हैं, दो अलग किस्म आ जाती है। तो अमेजोन खुद ही उसको इन्वेंट्री को उठाएगा और बेचाएगा, ठीक है। और दूसरा आ गया जी FBM, FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद प्रोडक्ट के जिम्मेदार होंगे कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए। तब तक हमने, जब हमें ऑर्डर आता है ना, तो हमने अमेजोन को ना प्रोवाइड करना था प्रोडक्ट का ट्रैकिंग कोड, वो हमें हमारी जो शिपमेंट कंपनी होती है ना वो प्रोवाइड करती है। ड्रॉप शिपिंग में हमें वो फेक जनरेट करना पड़ता है, वो भी सारी बात है, क्योंकि अगर हम वो रियल करें तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग ना होना यार। तो बाकी उसी कंडीशन के अंदर भी हमें वो प्रोडक्ट वो जो है ना वो हमें शिपमेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। शिपमेंट प्रोवाइडर डिफाइंस के फेडेक्स, उसके अलावा जैसा पाकिस्तान में लेपर्ड है उस तरह वहाँ पे फेडेक्स है, पाकिस्तान में TCS है इस तरह वहाँ पे DHL है, पाकिस्तान में DHL है उसके अलावा वहाँ पे UPS है, यूनाइटेड पोस्ट सर्विस, उसके बाद वहाँ पे USPS है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट सर्विस। ये कुछ वहाँ पे ब्रांड है जो कि शिपमेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हम इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा सो ये तो यार हो गया सिर्फ अमेजोन के लिए, उसके अलावा वॉलमार्ट पे। तो अब वॉलमार्ट के अंदर भी सेम है, वॉलमार्ट सेलर फुलफिलमेंट WSF, उसके अलावा बात है, और उसके अलावा दूसरा आ जाता है वो सेल्फ फुलफिलमेंट है, मतलब कि सेलर खुद ही, मर्चेंट जो खुद ही होता है ना वो खुद ही फुलफिलमेंट का जिम्मेदार होता है। सो वॉलमार्ट में भी सेम चार तीन चीजें अप्लाई करती हैं, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल। तो सेम तीन चीजों की आगे से हमें पांच दो चीजें मजीद मिलती हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल FBA करते हैं, प्राइवेट लेबल FBM बहुत रेयर है, उसके अलावा होलसेल करते हैं हम FBA, होलसेल करते हैं हम FBM, उसके अलावा हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग FBM। सो ये हो गया एक दो तीन चार, टोटल पांच स्ट्रीम्स हो गई पर प्लेटफॉर्म। इसके इसके बाद हम सेम सेल कर सकते हैं इसी तरीके से ईबे के ऊपर, उसके अलावा टारगेट, टारगेट के ऊपर भी हम सेम तरीके से सेल कर सकते हैं, उसके अलावा सैम्स क्लब, उसके ऊपर हम सेल नहीं कर सकते, वो जो सैम्स क्लब है वो सिर्फ बेचता है, वो सिर्फ चीज़ खरीदने की वेबसाइट है, उसके ऊपर बेच नहीं सकते। अच्छा इन सब के अलावा ना एक नई वेबसाइट आई है, आप लोग शायद जानते हैं उसको, उसको कहते हैं Etsy। सो Etsy लाइक यूनिक चीजों की वेबसाइट है, ऐसी चीजें जो रेयर है, ठीक है। Etsy भी आप शिपिंग कोई, हाँ आईफोन 14 आया तो आईफोन 14 का कवर, कोई बड़ा प्यारा सा कवर आपको अमेजोन पे मिला, आपने उसको उठा के लगा दिया Etsy के ऊपर, आप ऑर्डर आएगा तो आप Etsy पे वो ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे, सिंपल। आपने तो कोई जो उधर आपको बस एक चीज यूनिक लगी आप उसने उसको Etsy पे पोस्ट कर दिया। हाँ बाद में Etsy भी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आप Etsy के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते एज सच ना, तो ये थोड़ी बहुत ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती हैं, ये भी पैसे कमाने के कोई कहने के वेल नोन तरीके होते हैं। अब उसके अलावा आपकी फील्ड डिपेंड करती है, तो अब अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं सॉफ्टवेयर, अगर आपका ताल्लुक कोई काम है तो वो डिफाइन, तो आप उसके जरिए भी इंटरनेट पर पैसे कमा सकते हैं। अच्छा सो मैं आपको SEO की ना एक एग्जांपल जनरल देना चाहता हूँ। ओके सो अभी हम आ रहे हैं फाइबर के ऊपर, फाइबर का आपको आइडिया होगा, फाइबर के ऊपर अक्सर लोग जाते हैं, आप लोग भी फाइबर का अकाउंट कितना किसी ने बनाने की कोशिश की होगी, डीपशीट बनाई होगी लेकिन सही तरह से बन नहीं पाई होगी, या जो भी इशू है, या किसी को ऑर्डर भी आया होगा फाइबर के ऊपर। सो फाइबर के ऊपर मैं ऐसा तो काम नहीं करता, ना मुझे कभी ऑर्डर आया, लेकिन
कभी काम करने की, मैंने कहने के दिल से कोशिश नहीं की फाइवर के ऊपर ना। मैं आपको समझा देता हूँ। अब फर्ज कर ले मैंने लोगो बनवाना है, अब मैंने ये सर्विस सर्च किया, अब मैं देखूंगा यार फाइवर के ऊपर मुझे, एक सेकेंड, मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया। अच्छा, लोगो डिजाइन के ऊपर मुझे कितनी सर्चेस मिली हैं, तकरीबन 300,000, 3 लाख लोग लोगो बना रहे हैं फाइवर के ऊपर। अब मैं आगे जाता हूँ जी, 3D लोगो, 3D लोगो कितने लोग बना रहे हैं, सॉरी 3G लिख दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक सेकंड बस, ये सर्च कंप्लीट हो रही है। नाम लो, एक लोगो क्रिएट करना है, उसके पीछे हमारे पास तकरीबन 300,000 या 3 लाख सर्चीज हैं। अब 3D लोगो के पीछे हमारे पास कितनी सर्चीज हैं, 7,410। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो टाइटल है उसमें 3D लोगो लिखना ज़्यादा फायदे में रहेगा क्या? तो अब 7,000 सर्चीज हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक चला जाऊँ, मतलब कि आपने गिग बनानी थी ना यार, तो लोगों की आपने 1 गिग बना ली, आप उसकी जगह 7 गिग्स बना दें, 3D लोगो, प्लेन लोगो, एनिमेटेड लोगो, उसके अलावा बिजनेस लोगो, रोटेटिंग लोगो, स्पिनिंग लोगो, ये सामने लिखे आ रहे हैं, मिनिमलिस्ट 3D लोगो, इस तरह की 6-7 गिग्स बना दें। वक्त तो लगेगा आपका, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना आपके ऑर्डर आने की, वो आपकी कम हो, ज्यादा हो जाएगी। आपको पता कि 7,500 लोगों में से आपको ऑर्डर आए, ये इम्कान ज्यादा है बनिस्बत ये कि 3 लाख लोगों में से आपको ऑर्डर आए। इस बात पे एग्री करते हैं आप सब? कोई अगर कोई बंदा, कोई वॉलंटियर माइक ओपन करके मुझे बता सके, कोई भी? यस सर, एग्री करते, जाहिर बात है। तो डिफरेंट आता है यार, दिस इज SEO, ये SEO की पावर है, ठीक है? तो थोड़ी, अच्छा आप, मैंने ना यहाँ पे 3D लोगो का एक लफ्ज लिखा था, टाइप किया था, तो व्हाट इज दिस? ये ना एक टर्म है, एक कह लें के सर्च की है, कीवर्ड है, कीवर्ड है सिंपली, इसको अमेज़न की ज़बान में हम कीवर्ड कहते हैं, ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मैंने सबसे पहले लिखा था लोगो, लोगो इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीवर्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने साइंसिस के सब्जेक्ट्स के अंदर ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से लाइट के अंदर या ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अच्छा, तो सेम यही अप्लाई होता है कीवर्ड्स के अंदर भी। अब एक कीवर्ड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीवर्ड लाइक लोगो मैंने लिखा है, लोगो के ऊपर मुझे एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, लोगो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है? एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसके ऊपर मुझे 3 लाख सर्चेस मिली है। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक चला जाता हूँ, 3D लोगो, तो ठीक है थोड़ा नैरो हो गया। पहले हमारी जो स्ट्रीम थी वो एक वाइड स्ट्रीम थी, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, अब थोड़ा नैरो आ गए हैं 3D लोगो। अब उसके बाद मजीद नैरो चले जाते हैं 3D मैटेलिक लोगो, मैं यहाँ पे मजीद नैरो जाता हूँ 3D, मेटेलिक लोगो। अब इसमें देखते हैं क्या सीन है, ये चले 2,000 सर्चेज आ गई। अब कीवर्ड के अंदर एक तो मैंने आपको बता दिया यार, ये देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, या देखो आप में से अगर कोई भी मेरी बात अटेंटिव सुन रहा है और इन फ्यूचर मेरे साथ काम करना चाह रहा है, वो प्लीज ये जो चीजें हैं ना अभी, ये जो मैं बता रहा हूँ, इनको किसी डायरी पर नोट डाउन कर ले। ये चीजें आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ेंगी, ये चीजें अगर आपको याद ना आई तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है? आज का बेसिक तो मेरा इंट्रोडक्शन ही था, जो मजीद आगे जाऊंगा वो मैं मंडे से जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको, पहले मैं आपको स्केड्यूल शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, अगर टाइम मिल सका तो, फिर उनमें मैं आपको, आपको पता होगा यार अगर किसी ने कोई टॉपिक स्किप करना है ना, लाइक अगर मैं कोई टॉपिक बना रहा हूँ PPC के ऊपर, एड कंपेनिंग के ऊपर, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को उसकी जरूरत नहीं होगी, कुछ को होगी तो जिनको लेना, मतलब कि बंदे स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक? तो आप, एक तो हो गया यार ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, इसके बाद आ जाती हैं चीजें
स्ट्रिंग्स कितने हैं कीवर्ड्स के अंदर। अब ये जो लोगो था ना, ये एक सिंगल स्ट्रिंग कीवर्ड था, इसमें एक ही स्ट्रिंग थी लोगो, एक ही वर्ड था लोगो। अब मेटालिक लोगो के अंदर दो वर्ड आ जाते हैं, इट इज हाईली लाइकली कि कोई बंदा एक लफ्ज ही टाइप करेगा लोगो बस। अब थोड़ा ये टाइप करना भी थोड़ा कम हो जाता है कि अगर कोई बंदा टाइप करे मेटालिक लोगो। अब मैं आप लोगों को ना इसकी जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ना उसकी यार प्लीज अपना माइक म्यूट रखे हैं फोन है। अच्छा सो इस वेबसाइट का ना हम प्राइवेट लेबल के अंदर ना बहुत यूज करते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट का बहुत इस्तेमाल है प्राइवेट लेबल के अंदर, मैंने जब प्राइवेट लेबल किया था तो वो इसी का यूटिलाइज किया था। इसको कहते हैं trends.google.com, गूगल ट्रेंड्स, ये भी आप नोट डाउन कर लें। गूगल ट्रेंड्स का प्राइवेट लेबल में बहुत इस्तेमाल है। इसके अलावा दूसरी फील्ड से भी आपको ये हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अच्छा तो अभी हमारा ना टर्म था वो था, अभी मैं इसको स्विच कर देता हूँ USA में। अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। लोगो तो US के अंदर पर डे के हिसाब से 61 सर्चिज होती हैं लोगों की, ठीक है। हर रोज 61 बंदे पर डे लोगो सर्च करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूं 3D तो ये कम होके 50 पे आ गई है, ठीक है। सिंगल टर्म कीवर्ड ज्यादा लोग सर्च करते हैं, डुअल टर्म कीवर्ड थोड़े कम लोग सर्च करते हैं। अब अगर मैं तीसरे पे चला जाता हूँ, तीसरा जी हमारा क्या है 3D, मेटालिक लोगो। अच्छा ये तो बहुत कम सर्च होता है, इस चीज का भी SEO में ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो थ्री टर्म्स कीवर्ड है ना, या थ्री स्ट्रिंग कीवर्ड है, वो एक अनोइंग कीवर्ड है, काफी कम लोग टाइप करते हैं यार। रेयरली कोई बंदा थ्री टर्म कीवर्ड टाइप करता है, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों ने समझनी है। अम्ब्रेला तो यार बहुत अम्ब्रेलाज होती हैं, ब्लू अम्ब्रेला थोड़ा श्रिंक हो गया, ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला भी एक किस्म है, ट्रांसपेरेंट ब्लू अम्ब्रेला या ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला विद ब्लू शेड, ये थोड़ा और श्रिंक हो गया। अब ये देखो लेकिन कीवर्ड इसमें चार हो गया ना यार आखिरी वाले में, या पांच वर्ड्स हो गए, पांच स्ट्रिंग्स हो गई हैं, ये बहुत कम है कि यार कोई बंदा ये लफ्ज सर्च करेगा। दिस इज SEO, ठीक है। ये चीज़ें आपने जाननी होती हैं SEO के अंदर। आप ये चीज़ें जानेंगे, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप फिर उसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैंने जो पता लगी थी सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। गूगल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन amazon.com ही है। कोई बंदा कोई चीज़ गूगल पे सर्च करता है ना, वो उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्चेज amazon पे करता है, उसके बाद भी बिंग आता है या बाकी चीज़ें बात ही बात है यार। तो ये ई कॉमर्स जाइंट्स इतनी बड़ी चीज़ से हो चुकी हैं। amazon पे आपको पता सिर्फ सेलिंग पर चीज़ ही होता है, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिलती, लेकिन फिर भी amazon दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सर्च वेबसाइट है। आप उसके ऊपर सबसे ज्यादा सर्चेस करते हैं गूगल के बाद। गूगल आपको पता है बहुत एक्सपेंड कर चुकी है, उसके बाद बिंग की बारी आती है, फिर दूसरी किसी वेबसाइट की बारी आती है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, आपने ये चीज़ें क्या कहते हैं याद रखनी है। सो ये हमारा ना कहने के मुकम्मल हो गया। तो अब मजीद अभी तक मैंने आपको SEO वगैरह और दूसरा चीज़ें अमेजोन वगैरह वॉलमार्ट वगैरह बता दिया यार। अब मंडे को ना मैं आप लोगों को अमेजोन वेबसाइट का और वॉलमार्ट की वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि ये वेबसाइट्स में दिखते कि मिलता क्या क्या वेबसाइट। आप लोग बड़े सच कहते हैं वेबसाइट प्रोडक्ट हंटिंग सीखो थोड़ा बहुत बता भी देते होंगे, लेकिन यार प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए ना वेबसाइट से मुख्तलिफ आपको टूल वेबसाइट के अंदर ही दे दूंगी, आपको किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि एक एक्सटेंशन कहते हैं किससे। यार देखो ये ना मैंने
ओपन किया हुआ है यहाँ पे ना प्लगइन का एक ऑप्शन है, ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल है ठीक है। ये मुझे किसी भी वेबसाइट को देखना थोड़ा आसान बनाती है, कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती हैं ठीक है। बाद में भी आपको मैं बाद में समझा दूंगा, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। स्ट्रक्चर होगा, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यार, साइट मैप पढ़ेंगे अमेजोन का, वॉलमार्ट का। तो अब तक के लिए मेरे मेरे से यही था। तो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो यार प्लीज पूछ लें ठीक है।